इधर मध्य प्रदेश चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस इसे खूब उछाल रही है। क्या भाजपा टिकट बांटने में कांग्रेस के जाति के खेल की परवाह कर रही है या नहीं, आइए समझते हैं। एमपी में जाति की राजनीति हावी होती दिखाई दे रही है। उधर बीजेपी ने 136 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। क्या इसमें पार्टी ने जाति पर फोकस किया है? हमने भी इसका विश्लेषण किया तो पाया कि जाति अहम तो है। भाजपा 230 विधानसभा सीटों में से 136 पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। भाजपा ने 48 सामान्य, 40 ओबीसी, 30 एसटी और 18 एससी उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनमें 31% टिकट ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग के उम्मीदवारों को दिए हैं। 29% पिछड़ों को टिकट दिया गया है। आदिवासी वर्ग के 22% और दलित वर्ग से 13% उम्मीदवारों को टिकट मिला है। वहीं सामान्य कैटेगरी में पार्टी ने 19 ठाकुर, 18 ब्राह्मण और 6 जैन को उम्मीदवार बनाया है। ओबीसी की बात करें तो लोधी, कलार और गुर्जर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। बात करें एससी की तो अहिरवार और महार को ज्यादा टिकट मिले हैं। वहीं एसटी वर्ग में गोड, भील और भिलाला पर फोकस किया गया है। सबसे ज्यादा गोड उम्मीदवारों को मौका मिला है। 5 भील और 5 भिलाल उम्मीदवारों का नाम भी लिस्ट में आया है। बीते 4 चुनावों में जाति का एनालिसिस करने पर एक और बात सामने आई कि राजनीतिक दलों के लिए टिकट देने में जाति सबसे अहम पैरामीटर है। किसी विधानसभा में पार्टी ने टिकट बदला तो वहां उसी जाति का ख्याल रखा। इस बार भी टिकट में सीधी से केदारनाथ शुक्ल का टिकट काटकर ब्राह्मण रीति पाठक को टिकट दिया। जालम सिंह पटेल की जगह उनके भाई प्रहलाद पटेल को टिकट दिया। ऐसा ही सीन दूसरी सीटों पर भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।